सर, आपका हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से, हमारे शिक्षण अधिगम केंद्र की तरफ से, प्रतिभागियों की तरफ से तथा हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। सर, आज हमें एनालिसिस ऑफ डेटा ऑफ वेरियस रिसर्च टूल विषय के बारे में हमारा ज्ञान संवर्धन करेंगे। सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। तो हाँ, ओके, थैंक यू। दोस्तों, आज जो बात करने वाले हैं वो है दैट इज हाउ टू एनालाइज द डेटा विच इज कलेक्टेड बाय द डिफरेंट रिसर्च टूल्स। तो ऐसा करते हैं, आई शेल मेक ए प्रेजेंटेशन और फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं जो हम रिसर्च में यूज करते हैं। दिस इज स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू अवर जनरल रिसर्च जो करते हैं, नॉट विद रिस्पेक्ट टू देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑल्सो। तो हम जनरल जो रिसर्च करते हैं दैट इज साइकोलॉजी, एजुकेशन और सोशल साइंसेज एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसकी बात करेंगे और वेरियस टूल्स यूज करते हैं और वो टूल्स को का डाटा कैसे एनालाइज करना है, दैट इज वॉट वी शेल बी डिस्कसिंग। तो इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं वो जो वी आर टेकिंग ए फ्यू एग्जाम्पल्स लेंगे और साथ में जो डिफरेंट टूल्स और उनकी बात करेंगे। तो ऐसा करते हैं, पहले टूल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टूल्स हम जनरली यूज करते हैं, उसके बाद उन टूल से किस तरह का डाटा प्राप्त होता है, फिर एक एक करके टूल्स की बात कर लेंगे। मैं आपको देखिए डेटा एनालिसिस ऑफ वेरियस रिसर्च टूल्स कैसे करते हैं, वी शैल मेक ए लिटिल प्रेजेंटेशन एंड देन वी शैल स्टडी। सो असल में एनालिसिस डिपेंड करता है जो टूल्स आप यूज करते हैं। टूल्स क्या होते हैं मैं अभी बताऊंगा आपको, जैसे क्वेश्चनेयर, ऑब्जर्वेशन एज वेल एज दैट इज फोकस ग्रुप डिस्कशंस, ये सब टूल्स हैं रिसर्च के जिनको हम यूज करते हैं। आप ऑब्जर्वेशंस भी करते हैं और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सैंपल पर भी। जैसे अगर सैंपल दिल्ली का है और दूसरा सैंपल अगर लेटर से यूएसए से, तो एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और सबसे बड़ी बात उसके साथ हाइपोथेसिस जो होते, जिस तरह के हाइपोथेसिस होते हैं डाटा उसी तरह से एनालाइज होता है। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है। वन इज क्या कौन सा टूल आपने यूज किया, दूसरा आपका सैंपल कौन सा था, तीसरा क्या आपने क्या हाइपोथेसिस बना रखे थे। तो इन तीन चीजों का ध्यान रखना एट द टाइम ऑफ एनालिसिस ऑफ डाटा बहुत जरूरी होता है। तो देखते हैं धीरे धीरे कि डाटा एनालिसिस कहते हैं किसको हैं। इसका मैं कोई डेफिनेशन नहीं दे रहा आपको, जस्ट बता रहा हूँ कि डाटा एनालिसिस होता क्या है। यानी डाटा भी कोई भी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा कहलाते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कहीं से भी प्राप्त हुई हो, इंफॉर्मेशन अगर हम यही कहें कि वी ऑल आर सिटिंग टुगेदर, दिस इज एन इंफॉर्मेशन विच इज विद अस, एंड इसको एनालाइज किया जा सकता है। जिस तरह आप हम सब इस वर्चुअल मोड में बैठे हैं, नाउ डेज द क्लासेस आर बीइंग हेल्ड इन ए वर्चुअल मोड इन इंडिया, अगर हम ऐसा कुछ कह देते हैं दैट इज व्हाट इज के इंफॉर्मेशन। मेरा पॉइंट ये है कि इंफॉर्मेशन को, अब इंफॉर्मेशन बहुत सी कलेक्ट होती है तो इसको डेटा कहते हैं। डेटा कैन बी बिग एज वेल एज ए लार्ज ऑल्सो। मैं बता देता हूँ, बिग डेटा होता है द डेटा विच इज फ्रॉम द डिफरेंट विद द डिफरेंट वेरिएबल्स और उस उन वेरिएबल्स के डिफरेंट पार्ट्स हो। फॉर एग्जाम्पल मेल फीमेल, दैट इज रूरल अर्बन, ये सब होते हैं, दिस आर दिस इज ए बिग डेटा। यानी इंडिया का अगर डेटा हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसके एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जब व्हाट्सएप पे टाइप करने लगते हैं ना, कुछ लिखने लगते हैं, तो वर्ड अपने आप आ जाता है। नो डाउट इट इज ए पार्ट ऑफ दैट इज इंटेलिजेंस, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं हम। तो मगर उसके पास बिग डेटा होता है, डेटा इतना आपने जो जो किया होता है वो डेटा उसमें स्टोर होता है। और उसमें से आपको बता लेटर से गुड मॉर्निंग, आप जी लिखते हैं गुड मॉर्निंग पहले ही आ जाता है, तो आप कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट इज द डेटा। सो डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए हम चार्ट्स, मैप्स, डायग्राम ये सब यूज करते हैं। दिस इज वन वे ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा। दूसरा एनालिसिस ऑफ डेटा है हम मेजरमेंट नंबर्स और उसको एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के अगर 100 में से 80 मार्क्स आए हों, या ये कहा जाए हाइट किसी की 5 फुट 10 इंच है, तो दिस इज ए नंबर, नंबर है मेजरमेंट का।
अब ये मेजरमेंट के नंबर को आप एनालाइज करेंगे, डेटा से किसी ने ये पूछना हो कि हिंदुस्तान के लोगों की आर्मियों की हाइट कितनी होती है, दैट इज व्हाट यू विल एनालाइज एंड ओनली देन जब मेजरमेंट का एनालिसिस ऐसे होता है दैट इज ए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो अब आप कहेंगे इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या होता है, दैट इज जब हम किसी को किसी नंबर को बिगर नंबर के साथ करके उसको एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता रहा था कि दैट इज हाइट लोगों की क्या होगी, तो नेचुरली आप आम लोगों की हाइट देखेंगे और भी आप डिफरेंट हाइट्स के लोग देखेंगे, फिर आप करेंगे दैट इज व्हाट इज देयर, आप दिस इज एन ऑब्जर्वेशन विच यू हैव मेड। सो माय पॉइंट वाज कि जब आप मेजरमेंट्स के बेसिस पे आप डाटा को एनालाइज करते हैं दिस इज कॉल्ड एज एनालिसिस। ये फिर उस एनालिसिस को आप इंटरप्रेट करते हैं और ये भी कहते हैं कि ये जो चीज़ें मैंने इंटरप्रेट की हैं ये यहाँ यहाँ लागू होंगी। लेट अस से अगर स्टैट में या रिसर्च में नंबर लेने तो क्या करना पड़ता है, दिस ए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एनालिसिस ऑफ डाटा पे डिपेंड करेगा कि अगर आपने देखा है भी दैट इज इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के आंसर होते हैं, इस तरह का उनका मार्किंग होते हैं, दैट इज व्हाट इज इंटरप्रिटेशन। और इंटरप्रिटेशन को जब आप जब आप डाटा को इंटरप्रेट करते हैं दैट इज व्हाट इज यू आर प्रेजेंटिंग इट फॉर द पॉपुलेशन। इन शॉर्ट ये कहना चाहिए कि जब आपके पास कोई डाटा आता है उसको आप स्टैटिस्टिकल बेसिस पे एनालाइज करके या किसी और तरीके से एनालाइज करके इंटरप्रेट करते हैं दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डाटा एनालिसिस। तो अब चलते हैं कि डाटा एनालिसिस टाइप्स क्या होते हैं। छोटी सी बात है, थोड़ा सा मैं इस कारण बताना चाहता हूँ सो दैट यू आर क्लियर कि डाटा एनालिसिस डिपेंड करता है टूल के ऊपर, हमारे हाइपोथेसिस के ऊपर, हमारे पॉपुलेशन के ऊपर। दिस दैट्स व्हाई आई हैव टू टेल दिस। एक होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है जब आप एनालाइज, हम सब जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे या बाहर, आप हर वक्त डिस्क्राइब करते हैं किसी भी चीज़ को, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। आपने भी देखा होगा जब भी बैठते हैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, गवर्नमेंट्स को, पॉलिटिकल प्रोसेस को आप एनालाइज करते रहते हैं। नोबडी से जस्ट सेज भी ये हो रहा है, यू ऑलवेज एनालाइज इट, यहाँ ये हुआ, फलां टाइम में ये हुआ था, फिर आप कंपैरिजन करके लोगों के सामने रख देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, यानी आप किसी भी फिनोमेना को डिस्क्राइब करके बता देते हैं और एनालाइज करके बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस। एक होता है एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस होता है दैट इज आपके एक्सपीरियंसिस के ऊपर प्रेजेंट सिस्टम को लेके आप एनालाइज करते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस। एक होता है इन्फ्रेंशियल एनालिसिस, यानी आप लेट अस से बस स्टैंड पे खड़े हैं, पांच बसेस आई, पांचों बसेस लेट हैं, दिस इज आपने फिर पांचों बसेस का देखो यार ये पांच बसेस जहां पे लेट ही आती, दैट इज लोकल बस की बात कर रहा हूँ, टेक इट इन दैट वे। तो दिस इज कॉल्ड एज इन्फ्रेंस, यानी आपने इन्फ्रेंस निकाला और पॉपुलेशन पे लागू कर दिया। हम बहुत से इन्फ्रेंशियल एनालिसिस करते हैं, मैं इस कारण कह रहा हूँ कि हम आम लोग बातों में भी, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर रिसर्चर्स, हम इन्फ्रेंशियल एनालिसिस करते ही करते हैं। क्या होता है इन्फ्रेंशियल एनालिसिस, कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। देन प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी करते हैं हम। प्रिडिक्टिव एनालिसिस होता है दैट इज जब अब लेट अस से टीचर ने नंबर दिए और स्टूडेंट के नंबर आ गए और फिर आप क्या करते हैं और यू प्रिडिक्ट, मैं बताता हूँ। जैसे मैथमेटिक्स में नंबर किस पे ऊपर डिपेंड करते हैं, तो आप कहते हैं इसके फिजिक्स में भी ज़्यादा नंबर आते हैं, इसके केमिस्ट्री में भी ज़्यादा नंबर आते हैं, तो ये बच्चा मैथमेटिक्स में भी ज़्यादा नंबर लेगा। इसके फिजिक्स में भी ज़ीरो है, केमिस्ट्री में भी ज़ीरो है, तो नहीं ये ऐसा नहीं लगता, ये मैथमेटिक्स इसको बहुत अच्छी। सो व्हाट इज ये प्रिडिक्टिव है, और आप प्रिडिक्टिव एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ही करते हैं। लेटर से बहुत सी बार आपने देखा होगा अभी कहीं भी इलेक्शन होते हैं तो लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि दिस इज गोइंग टू हैपन, दैट इज व्हाट प्रिडिक्टिव एनालिसिस। एक होता है कॉजल एनालिसिस, कॉज एंड इफेक्ट का एनालिसिस होता है। वी ऑलवेज गो फॉर कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। जनरली हम कई बार एक्सपेरिमेंट नहीं भी करते फिर भी कॉजल
एनालिसिस करते हैं, भैया धूप में नहीं जाना चाहिए क्योंकि धूप में इतने लोग बीमार हो जाते हैं, फिर आप उसका एनालिसिस करके बता देते हैं कि दैट इज धूप में जहाँ आजकल बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी में पानी पीना चाहिए। व्हाई हैव यू कम इट? बिकॉज आपने एनालाइज कर किया या देखा, एनालिसिस किया हुआ देखा कि गर्मी के अंदर पानी की कमी होती है, दैट इज व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट वाला, दैट इज कॉल्ड एज कॉजल एनालिसिस। ये डिफरेंट तरह से एनालिसिस होता है, जिसे मैकेनिस्टिक एनालिसिस होता है, दैट इज मैकेनिकल प्रोसेसेस हैं उनका एनालिसिस, दैट इज मशीन वाला जो लोग काम करते हैं वो मैकेनिकल एनालिसिस होता है। सो इन शॉर्ट डेटा एनालिसिस कई तरह का हो सकता है, बट हम वही 6-7 तरह का एनालिसिस जनरली यूज करते हैं अपनी रिसर्च में। नाउ व्हाट इज दैट इज डेटा कलेक्ट कहाँ कहाँ से होता है, दैट इज व्हाट फर्स्ट थिंग इज क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनर क्या होता है, कैसे आते हैं, मैं अभी आपसे डिस्कस भी करूंगा। दैट इज हम क्वेश्चनर देते हैं, क्वेश्चनर भी कई तरह का होता है, इसके अपने फायदे हैं क्वेश्चनर के, यानी रिसर्चर बैठा बैठा भी अपने घर में भी बैठा बैठा क्वेश्चन भेजता है। यू नो गूगल फॉर्म, आपको पता है, अमेरिका कल एक था इसके ऊपर सत्र भी था आपका, दैट इज गूगल फॉर्म के क्वेश्चनर कैसे कलेक्ट करना है डेटा। देन इंटरव्यूज, आप डिफरेंट तरह के इंटरव्यूज करते भी हैं या इंटरव्यू देते भी हैं, या आप टीवी वगैरह पे देखते भी होंगे कि दैट इज एक किसी भी लोगों की इंटरव्यू ली जाती है। इंटरव्यू का मतलब उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बाद क्वेश्चन का जवाब, इंटरव्यू भी 2-3 तरह की होती है, अभी बात करेंगे कि दैट इज व्हाट इज दिस। देन देयर इज अ फोकस ग्रुप डिस्कशन। फोकस ग्रुप डिस्कशन इज दैट इज कोई भी किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम हो, लेट अस से पॉल्यूशन इज ए प्रॉब्लम, आप पोल्यूशन में कितने ही तरह के लोग इन्वॉल्व हैं। वन थिंग इज वी एज सिटीजंस, एंड देन देयर आर पॉलिटिशियंस, देन देयर आर साइंटिस्ट। ये सब लोगों का अगर ग्रुप बनाया जाए और इस ग्रुप में अगर कोई बात रखी जाए तो दैट इज ए फोकस ग्रुप डिस्कशन। और आमतौर पर अगर आपने देखा होगा कि टीवी वगैरह में फोकस ग्रुप डिस्कशन होती है तो इसका एनालिसिस भी होता है। दैट इज के लिए एनालिसिस के टू, दैट इज वन थिंग इज कि हम सीधा सीधा एनालिसिस कर, नहीं लोग ऐसा कहते हैं, नथिंग, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन स्टेटिस्टिकल एनालिसिस भी करते हैं लोग इसके ऊपर। दैट इज व्हाट, आपने पता नहीं कभी फोकस ग्रुप डिस्कशन का एनालिसिस किया कि नहीं, बट इट इज ऑल्सो देयर। देन ऑब्जर्वेशंस आर ऑल्सो देयर, सी हम सब लोग बैठे हैं, मैं थोड़ा थोड़ा इसको अभी यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, देन आई विल थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने के बाद, देन वी शुड बी टॉकिंग ऑफ द स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ऑल्सो ऑफ दीज थिंग्स। जस्ट टू टेल यू, ऑब्जर्वेशन इज देयर, ऑल ऑफ अस आर सिटिंग ओवर हियर, एंड देन हम ऑब्जर्व करते हैं कि यार दिस इज व्हाट इज द, आप देखते हैं कि कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग नहीं अच्छा बोलते, कुछ लोग उठ के चले जाते हैं, कुछ लोग बैठे रहते हैं, कुछ लोग अपने फोटो डाल जाते हैं, आप चले जाते हैं, ऑल दिस इज एन ऑब्जर्व, दीज आर द ऑब्जर्वेशन। इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे भी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस या दूसरा एनालिसिस करते हैं। जब आप कहते हैं कुछ लोग, देन यू गेट 10% ऑफ द पीपल डू लाइक दिस, 20% ऑफ द पीपल डू लाइक दिस, नथिंग बट एनालिसिस। हाउ, कौन से टूल्स यूज करेंगे, कौन से स्टेटिस्टिकल टूल्स करेंगे, वो एक अलग बात है, आई विल जस्ट डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। देन फ्रेंड्स, जस्ट यू टेल यू, पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज होती हैं, यू नो इट, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज आर देयर, एंड आपने पी एफ दैट इज डिफरेंट पर्सनैलिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़े हैं, और आपने वो फ्राइड का भी पढ़ा, ऑल दीज आर पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज, और पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज का अलग से एनालिसिस करते हैं, और फ्राइड ने किया भी। देन एटीट्यूड स्केल्स आर ऑल्सो देयर, आप जानते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ एटीट्यूड स्केल्स, लिकर्ट का है और जो उसका है, तो ये एटीट्यूड स्केल्स भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के ऊपर आप इसका एनालिसिस करते हैं। देन सर्वेज आर आल्सो देयर, देयर आर सर्वेज आर ऑलरेडी, मेनी ऑफ द सर्वेज आर डन एंड यू एनालाइज दस ऑन द बेस ऑफ सर्वे, दैट इज व्हाट इज गूगल फॉर्म सर्वेज आर नाउ अवेलेबल। जस्ट टू टेल यू दैट इज, अगर आप खाली घर में बैठे हैं तो गूगल फॉर्म सर्वेज को भरो, एंड देन सर्टेनली यू कैन अर्न आल्सो एंड आल्सो एनालाइज फॉर दैट फॉर देम, दैट इज व्हाट इज देयर। देन केस स्टडीज आर ऑल्सो देयर, केस स्टडीज का सिंपल मतलब ये नहीं कि आप केस को लिख देते हैं और बात करते हैं, ऐसा नहीं होता, यू जस्ट डिफाइन इट ऑन केस का जो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस भी करते हैं कि लेट अस से इसके नंबर इसमें कितने थे, उसमें कितने थे, यानी ये पहले कैसे, ये आदमी कैसा था, उसके बाद में कैसे, ऑल दिस। लेट अस से किसी इंस्टीट्यूशन की भी केस स्टडी होती है, इंस्टीट्यूशन में
इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी और आजकल क्या थी, ऑल दीज थिंग्स आर ए पार्ट ऑफ द केस स्टडी। देन सोशियोमेट्री स्टडीज भी एनालिसिस करते हैं हम, दैट इज सोशियोमेट्री स्टडीज आर दैट इज वो उससे ज्यादा उठते बैठते हैं, यू नो दैट सोशियोमेट्रिक्स इज देयर इन द क्लासरूम्स आल्सो, सोशियोमेट्रिक्स देयर विद इन अवर फ्रेंड्स आल्सो, सोशियोमेट्रिक प्रोसेस इज देयर विद इन द कोलीग्स ऑफ योर्स आल्सो, सम ऑफ द कोलीग्स आर वेरी क्लोज टू यू, सम ऑफ द कोलीग्स आर नॉट दैट क्लोज, सो आप एक एनालिसिस कर देते हैं, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्टेटिस्टिकल एनालिसिस का भी होता है, मैं बताऊंगा अभी ये कैसे एनालिसिस कर लेते हैं। सो दिस इज वट इज डिफरेंट टूल्स हैं डेटा कलेक्शन के, सो इन टूल्स को कैसे करते हैं दैट इज वन थिंग। अभी बात करते हैं क्वेश्चनेयर की, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानेंगे, देन वी शैल फाइंड आउट कि इसको एनालिसिस कैसे करना है, क्वेश्चनेयर का एनालिसिस कैसे होता है। मेनली मैं मेनली क्वेश्चनेयर एनालिसिस वगैरह की बात कर, मेनली क्वेश्चनेयर ऑब्जर्वेशन, क्योंकि मैंने बताया ना ये बहुत बड़ा टॉपिक है और टाइम एक घंटे में करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे, बट स्टिल आई विल ट्राई टू ब्रिंग होम द पॉइंट। बाकी आप ऐसा नहीं कि आप नए आए हैं, दैट इज वाई। तो वैसे क्वेश्चनेयर होता क्या है, यानी आप एक प्रॉम्प्ट देते हैं उसके ऊपर दूसरा रिएक्शन दे देता है, दैट इज व्हाट। लेट मी से आपने किसी से पूछा आप कहाँ रहते हैं, तो ही और शी गिव्स द रिएक्शन टू दैट, आई एम रेजिडेंट ऑफ दिस एंड दिस प्लेस। सो दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसमें प्रॉम्प्ट मिलता है और उसके ऊपर दूसरा कोई जनरल सिंपल सी टर्म में क्वेश्चनेयर, और इसी को हम दैट इज डेटा कलेक्शन के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चनेयर आपने देखा होगा एक फिक्स्ड भी फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड अल्टरनेट्स होते हैं, MCQs हैं, ये फिक्स्ड अल्टरनेट्स हैं, और आप इवन व्हाट इज दैट कॉल्ड एज कि आप रिसर्च के लिए क्वेश्चनेयर यूज करते हैं, और उस क्वेश्चनेयर का जब क्वेश्चनेयर इज दैट आपको प्रश्न पूछते हैं उसका जवाब आता है, ये फिक्स्ड है, आप उसमें इसमें से कौन कौन से होते हैं, दैट इज व्हाट इज फिक्स्ड अल्टरनेट्स हैं। दैट इज बेस्ट एग्जांपल आई गेव यू अबाउट द दैट इज MCQ, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच जो होते हैं उसमें आप alternate है, फिक्स्ड alternates हैं। यानी पॉइंट इज दैट इज नॉट ओनली दैट इज हम स्टूडेंट्स के लिए ही क्वेश्चन बनाते हैं, इवन रिसर्च के लिए भी हम क्वेश्चन यूज करते हैं, आप को कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है, कैसे आप पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ें alternates हैं। सो देन क्वेश्चन की स्केल भी होती है, दैट इज क्वेश्चनेयर में स्केल भी होती है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज वाई लिकर टाइप स्केल्स होती हैं, दैट इज 1 to 5 में आप जवाब दें, यू नो मोस्ट ऑफ द फीडबैक विच इज रिसीव्ड इन द मार्केट एज वेल एज इन वेरियस सर्विस सेक्टर, और स्केल बनाते हैं, दैट इज हाउ डू यू लाइक दिस, आप इसके अंदर कौन सी चीज़ पसंद है। लेट अस से आप हम नेट पे बात करें तो नेट भी आपको पता है कई नेट प्रोवाइडर्स हैं आजकल, और जियो भी है, ये एयरटेल भी है, ये सब आप बार बार आपसे एक स्केल के ऊपर क्वेश्चन पूछते रहते हैं। एंड अगर आप किसी भी सर्विस सेक्टर में जाते हैं तो दिस इज देयर ओनली, इवन इन आवर एजुकेशन या फॉर साइकोलॉजी में एक फिक्स स्केल, दैट्स अ लिकर टाइप स्केल, आप किसी टीचर को कितना पसंद करते हैं, आप उस अगर टीचर को आप कहेंगे 5, 6 ऐसे करते, दैट इज व्हाट इज ए स्केल। देन देयर आर ओपन एंडेड क्वेश्चंस आल्सो, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसके आपके पूछा जाता है व्हाट कुड हैव बीन डन इफ दिस थिंग वाज देयर, ये ओपन एंडेड है कि यानी नो अल्टरनेट इज गिवन, ओनली आपको एक दैट इज उसका जवाब देना होता है। सो दिस इज ए क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर के फायदे नुकसान का मतलब मैं आपको बताना इसलिए ये चाहता हूँ था कि दैट इज ये नहीं मैं आपको प्रोस एंड कॉन्स इस कारण ये दे रहा हूँ इन ऑर्डर टू डिस्कस विद यू कि क्वेश्चनेयर इज a little bit usual thing which is used in our research, और इसका data analyze करना थोड़ा concern होता है हम सबका कि इसको ऐसे analyze किया जाए so that we can get the valid results। Needless to tell you ये respondent जो है उसका जवाब देता है, और हम ये easy है किसी को भी questionnaire देना, और सबसे बड़ी बात respondents की identity protected रहती है, you know it that कि किसी से पूछा जाए कोई भी सवाल पूछा जाए तो हर एक चाहता है कि मेरी जो आइडेंटिटी है वो किसी को ना बताया जाए। लेट मी से हाउ डू यू लाइक दिस FDP प्रोग्राम, तो आप चाहते हैं आइडेंटिटी बताए बगैर कुछ अच्छा बता दें, या कुछ आइडेंटिटी बताए बगैर सच सच बोल दें, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज दिस क्वेश्चनर का सबसे बड़ा फायदा रहता है। मगर एक उल्टा भी होता है,
दैट इसका एक बड़ा नुकसान भी है, डिसऑनेस्टी बहुत होती है क्वेश्चन में, लोग टिक 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 आके मार बंद करके ऐसे ही मार देते हैं विदाउट थिंकिंग। तो कुछ चीजें छोड़ भी देते हैं लेटर से, कुछ बीच में से क्वेश्चन छोड़ दिया, दो छोड़ो जी इसका क्या जवाब देना, सो दैट टाइप ऑफ थिंग इज देयर, ये क्वेश्चनर के ऊपर है। तो व्हाई आई वाज टेलिंग यू, एनालिसिस करते वक्त इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि माने कौन सा क्वेश्चन ऐसे जिसके ऊपर लोग बाग जवाब नहीं देंगे और जिसके ऊपर जवाब देंगे, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चनर बनाते हैं तो सारी चीजों को ध्यान में रख के बनाते होंगे ना, तो देयरफॉर दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन दैट वे। सो अगर आपने 100 आदमी से क्वेश्चन पूछे, उन्होंने 10-20 क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन था या 40 का था, उसमें 10 छोड़ ही दिए, तो आपको एक फुल फायदा नहीं रहता। दैट्स व्हाई आई नीडेड टू टेल यू अबाउट द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ दिस थिंग। So this is a questionnaire I was telling you. No doubt you know it. That is questionnaire क्या होता है, कि I am not talking of that. Is what I wanted to tell you was कि analysis करते वक्त इन चीजों का ध्यान, इन चीजों का फायदा नुकसान होता है। दूसरी बात है observation. Observation किसी phenomena के बारे में जब हम information gather करते हैं, observe करते हैं, that is what is called as observation. तो ऑब्जर्वेशन कई तरह की हो सकती है, यानी ऑब्जर्वर जैसे दिस इज एफडी जो दैट इज फॉर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें आप एज जो ऑब्जर्वर है कि कैसा चल रहा है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो खुद एज ए ऑब्जर्वर जो है पार्टिसिपेंट भी बन सकता है, या पार्टिसिपेंट बेस्ट ऑब्जर्वर है अगर आपसे इसी कारण फीडबैक ली जाती है ना रोज कि आप दैट इज यू आर देयर और हमारा ऑब्जर्वेशन है कि हम आपको देखते रहते हैं, या जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो देखते रहते हैं आप अटेंटिव हो कि नहीं हो, देयर इज आपका ऑब्जर्वेशन है भैया कुछ जो बात कर रहे हैं वो कुछ समझ में आ रही है कि नहीं, या कुछ इधर उधर की बातें जो आप मेन भाई हम पूछना तो ये चाहते थे कि लेट अस से इस टॉपिक का मतलब हमारे लिए ये था मगर आप तो कुछ और बात करें। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन, के तीन तरह के हो सकते हैं। वन इज आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, अनदर इज आउटसाइड ऑब्जर्वर भी होते हैं, और तीसरे होते हैं दैट इज आप खुद ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसकी ऑब्जर्वेशन में। तो दैट इज देयर हम ऑब्जर्व करते हैं रोज, आप सुबह से लेके शाम तक इस टूल का यूज करते हैं, एंड यू आर ऑलवेज नॉट ओनली इन दिस एफटीपी, इवन इन द क्लासरूम स्टूडेंट्स आर ऑब्जर्विंग यू एंड यू आर ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट्स, नथिंग इजंट इट, यू आर ऑलवेज कंसर्न्ड विद इट। माय पॉइंट इज ऑब्जर्वेशन इज द highest tool used in our system. So, इसको देखा जाए तो type of observation होती है। For example, one of the observation tool is checklist. और simple सा है, checklist है कि आपके पास कितने ऐसे instrument, मुझे ये find out करना है कि आपके पास कितने ऐसे instrument जो ICT के साथ linked हैं। तो मैं एक checklist दे दूंगा, आपके पास laptop है, आपके पास smartphone है, आपके पास दिस उसका एक्सटेंडर है, ऐसी सी बात, दीज ऑल आर नथिंग बट चेकलिस्ट, एक चेकलिस्ट भी होती है। देन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है कि आप किसी को ऐसे करके वाच करते हैं कि ये क्या करता है, कौन से काम करता है, दैट इज पर्सनैलिटी की मेजर चीजें ऑब्जर्वेशन पे होती हैं। वेन एवर यू अपियर इन द इंटरव्यू यू माइट हैव सीन दैट पीपल आर ऑब्जर्विंग यू, ऐसे करके देखते रहते हैं कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो पॉइंट ये था कि अभी तक हमने दो टूल देखे, वन इज द क्वेश्चनर एंड अदर वाज द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के भी अपने फायदे नुकसान होते हैं, ये इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि जब आप एनालिसिस करते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि दैट इज आपके पास डेटा आ गया कि नहीं। वन थिंग इज ऑब्जर्वेशन बायस्ड भी हो सकती है ना, आप अपने बहुत से दोस्तों के बारे में बायस्ड होते हैं आप, दैट इज और दूसरे जो उसके बायस के जो आपका प्यारा दोस्त होता है उसके बारे में कुछ और कहते हैं दूसरों को, तो ये एक ऑब्जर्वेशन का फायदा या नुकसान होता है। तो उस बायस को कैसे, क्योंकि हम कहते हैं रिसर्च तो नॉन बायस करनी है, तो इस बायस को कैसे निकाला जाए, उसके लिए है ना स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं, दैट इज व्हाट इज। और ऑब्जर्वेशन पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन होती है, यानी किसी सिचुएशन में बैठ के ही आप उसकी ऑब्जर्वेशन कर सकते, अदरवाइज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम टीचर बिहेवियर, तो जब क्लासरूम में टीचर कुछ और तरह से बिहेव करते हैं और जब आप उसको ऑब्जर्व करने बैठते हैं तो बिहेवियर बदल जाता है,
सो सच टाइप ऑफ थिंग्स आर ऑब्जर्वेशन के फायदे नुकसान तो होते हैं, बट स्टिल ऑब्जर्वेशन इज ए वन ऑफ द टूल्स. देन देयर इज एग्जिस्टिंग डेटा भी होता है. सी फॉर ए व्हाइल, थिंक फॉर ए व्हाइल, हिंदुस्तान में कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं या आपके शहर में कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल. दिस डेटा इज ऑलरेडी देयर, आपको एनालाइज करना है. सो इन शॉर्ट ऐसा कहना चाहिए, आपने देखा होगा कभी आपने वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट देखी हो तो जस्ट आपको मैं बताना है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट इंडिया के हर एस्पेक्ट पे आती है, एजुकेशन पे भी आती है, हायर एजुकेशन पे भी है, और क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स पे भी है. वर्ल्ड बैंक इतने काम करता है, उसके रिसर्चर्स इतने ज्यादा किसी देश में रहते हैं, बिल्कुल नहीं. वर्ल्ड बैंक सिर्फ आपकी की हुई रिसर्च उठाता है और एग्जिस्टिंग डेटा, माई पॉइंट इज एग्जिस्टिंग डेटा उठाता है और उसके ऊपर रिपोर्ट लिख देता है. सी फॉर वाइल, हम कहते बहुत है कि हम अपने आप को बेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं, बट नथिंग. वर्ल्ड बैंक को पता होता है कहाँ से डेटा उठाया जाए, यानी और वो एनालाइज भी करता है. नॉट ओनली उसका डिफरेंट एनालिसिस है, जस्ट आपने कभी देखा वर्ल्ड बैंक कितने ऑल ओवर इंडिया का डेटा उठाएगा, और जो आपने पीएचडी लेवल पे रिसर्च किया होगा या किसी और ने रिसर्च, उन सबको मिक्स करके अपना, दैट इज मेटा एनालिसिस कहते हैं उसको, बट दैट इज व्हाट इज एग्जिस्टिंग डेटा होता है और उसको आप भी कर सकते हैं. दैट्स व्हाई आई गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि इंडिया में कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं और वो क्यों है, इसके ऊपर एग्जिस्टिंग डेटा है, आप उसको एनालाइज करके दे सकते हैं कि दैट दीज आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिलेवेंट, बिकॉज डेटा तो इकट्ठा होता है. एनएसएस इज देयर, नथिंग नेशनल सैंपल सर्वेज आर देयर, दैट इज ये दैट इज व्हाट इज दैट कॉल्ड एज इंडिया का वो चलता ही है हर साल, हर 10 साल में दैट इज क्या पॉपुलेशन सर्वे भी चलता है. तो ऑल एग्जिस्टिंग डेटा उसको भी एनालाइज करते हैं, अगर आपको देखा हो तो जो जिसमें एनएसएस वगैरह या नेशनल सैंपल सर्वे कह लो या वर्ल्ड का या इंडिया का पॉपुलेशन सर्वे जो होता है, तो उसके ऊपर डाटा एनालाइज किया जाता है, उसके डिफरेंट तरीके हैं. दैट इज सो इन शॉर्ट आई कैन, और ये एग्जिस्टिंग डाटा के फायदे नुकसान तो रहते हैं. बड़ी एक्यूरेसी इसकी बहुत हाई होती है क्योंकि लोग बाग घरों के अंदर जाके डाटा कलेक्ट करता है, मगर प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर, कई कई चीजें अंडरस्टैंड ही नहीं होती, दैट इज यू मस्ट बी नोइंग इट. सो देन अनदर थिंग वाज एज आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फोकस ग्रुप्स. फोकस ग्रुप आई वाज टेलिंग दैट इज फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन की बात है या किसी इंस्टीट्यूशन की बात है. इंस्टीट्यूशन में बच्चों का कुछ अलग व्यू होता है, स्टूडेंट टीचर्स का कुछ अलग व्यू होता है, और जो बाहर वाले उनका व्यू अलग होता है. दैट्स व्हाई फोकस ग्रुप डिस्कशंस आर रिक्वायर्ड. एंड ये डेटा जो वहाँ से इकट्ठा होता है, डिफरेंट लोग डिफरेंट एट ए टाइम डिफरेंट तरह की बात करके उसको एनालाइज करते हैं. यू माइट हैव सीन इट, फोकस ग्रुप मैंने बताया ना आपको कि टीवी के ऊपर फोकस ग्रुप डिस्कशंस होते हैं बहुत ज़्यादा. दैट इज दे टेक ए पर्टिकुलर टॉपिक एंड डिस्कस इट विद इन देम. पॉलिटिशियन भी होते हैं, डिफरेंट पार्टीज के लोग भी होते हैं, कॉमन मैन भी होते हैं, एंड दे गो ऑन डिस्कसिंग इट, और वो लास्ट में एनालाइज करता है. अब आप कहेंगे कि वो स्टेटिस्टिकली एनालिसिस, नहीं, उनको दूसरे वाला एनालिसिस पर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस भी करते हैं साथ में. दैट इज व्हाट इज देयर. और अभी आपने पता है ये जो इलेक्शन का एनालिसिस करके देते हैं, यही तो करते हैं. दे जस्ट गो फॉर द फोकस ग्रुप. आप 10 लोगों के बीच में बैठते हैं, वोटिंग वाला जो एनालिसिस करते हैं इलेक्शन का, वो इसी तरह ही करते हैं. एंड दे अप्लाई द स्टैटिस्टिकल टूल्स. कैसे टूल्स अप्लाई करते हैं, वी शिल डिस्कस इट. एंड देन फ्रेंड्स, ऑफ रॉस एंड कोस मैंने इसलिए बताए कि देखिए जब आप डिफरेंट लोग बैठते हैं तो आपको नहीं लगता एक शोर सा हो जाता, असली चीज समझ ही नहीं आती, मे बी द टॉपिक इज क्या कहा जाए, कंफ्यूजन हो जाता होगा. दिस व्हाट आई एम थिंग. एंड इन डेप्थ जो होती है ना बात, वो नहीं आती. दैट वेयर एज अगर आप वैसे डिस्कशन करें तो इन डेप्थ बात समझ में आती, क्योंकि लोग एक दूसरे के ऊपर हावी और एक दूसरे बढ़ चढ़ के बोलने लगते हैं, ये होता है. तो इसके ऊपर कितना विश्वास किया जा सकता है इस एनालिसिस पे, इट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स. आई विल गो अहेड फ्रेंड्स जस्ट टू टेल यू दैट इज अब बात ये मैंने आपको चार पांच जो भी थी कि वन वाज आई टॉक्ड अबाउट यू द क्वेश्चनियर, फिर आपसे ऑब्जर्वेशन की बात की, फिर बताया कि दैट इज बिग डेटा, दैट इज फोकस ग्रुप डिस्कशन भी होते हैं. देन आई आल्सो टॉक्ड अबाउट द दैट इज क्या कहा जाए, क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशंस एंड ये दैट इज इंटरव्यूज
क्वेश्चनर ऑब्जर्वेशन इनटू एज वेल एज एग्जिस्टिंग डेटा की हमने बातें की। तो ये तो था कि हमारे टूल्स क्या है, अब चलते हैं कि एनालिसिस कैसे करना चाहिए, क्या क्या कैसे होता है इसका एनालिसिस। जस्ट एनालिसिस से पहले दो तीन चीजें जरूर हमें पता होनी चाहिए, तभी हम एनालिसिस कर पाएंगे। दैट इज जस्ट आई एम कमिंग टू द थोड़ा आई हैव जस्ट लॉस्ट एट व्हिच स्लाइड वी बट दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। हाँ, हमें करनी दैट इज स्केल विच आर स्केल्स विच आर यूज इन दिस वेदर क्वेश्चनियर और इंटरव्यू। एक स्केल होती है दैट इज जब आप क्या कहा जाए वो मेजरमेंट किसी का लेते हो तो स्केल यूज करते हैं ना। आप अपनी कापी पे किताब पे या किसी पे बच्चे अगर कोई चीज मेजर करते हैं तो स्केल यूज करते हैं। तो ये दिस एनालिसिस डिपेंड्स अपॉन द स्केल विच इज बीइंग यूज्ड। जस्ट आपके वन आर कॉल्ड एज नॉमिनल स्केल्स। नेम जब किसी को दे दिया जाता है ना, दैट इज किसी को नाम दे दिया जाता है, दैट इज व्हाट इज लेट अस से आपने एक नाम दिया हुआ है मेल एंड फीमेल, ये तो आपने ही नाम दिया ना, यानी आपने मतलब सोसाइटी ने या किसी ने मेल फीमेल लिख दिया। अगर इसको कुछ और भी करते हैं रूरल अर्बन, दीज आर द नॉमिनल स्केल्स जिनका नाम दे रखा है। ये दो चार इस तरह के होते हैं। दैट इज इसमें कोई कॉन्टिन्यूस डेटा नहीं होता, यू कांट से दीज आर देयर इज अ कॉन्टिन्यूस डेटा बिटवीन देम। आपने जो नाम दिया जिसको नाम दिया जाता है दे आर कॉल्ड एज नॉमिनल स्केल्स। डार्क लाइट टॉल शॉर्ट ये सब नाम दिए हुए हैं, दैट इज वट इज कॉल्ड एज ए नॉमिनल स्केल। ये तीन चार भागों में भी डिवाइड हो सकती होगी, बट जनरली मैं बता रहा हूँ दैट इज डार्क लाइट होता है, रूरल अर्बन होता है, मेल फीमेल होते हैं। अब आप ये मत कहना ट्रांसजेंडर भी होता है, येस होता है, तो तीन हो गए। तो इन शॉर्ट टॉल शॉर्ट और बीच वाला भी कोई होता है, दैट इज वट इज कॉल्ड एज ए नॉमिनल स्केल। एंड देन देर इज ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल होता है कि दैट इज क्रम हुआ चेक कहते हैं, क्रम बार किसी चीज को कह देना। तो जैसे क्रम कैसे होता है, दैट इज क्लास में अगर 20 बच्चे तो आप उनको रैंक्स देते हैं, है ना। दैट इज ही स्टूड फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये रैंक्स जो दिए जाते हैं दीज आर कॉल्ड एज ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का नंबर ही मतलब ही होता है दैट इज क्रम देना, दैट इज क्रम आप क्या कहते होंगे, दैट इज सीरियल नंबर या नंबर दे देना, दैट इज व्हाट इज। जिस तरह घरों में जब मकान होते हैं जिस जहां भी आप रहते हैं वहां नंबर दिए हुए हैं, दैट इज 102 203 ऐसे करके नंबर दिए हुए हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनल, दिस इज ऑर्डिनल स्केल। अब आप कहेंगे रिसर्च में, यस ऑर्डिनल स्केल रिसर्च में यूज होती है, दैट इज हम देखते हैं कितने लोग फर्स्ट में आते हैं कितने सेकंड में, दैट इज व्हाट इज ऑर्डिनल स्केल। देन देयर इज इंटरवल स्केल। देखिए हम जितने भी टीचर्स हैं वो 100 का इंटरवल होता है ना, 100 में एक से लेके 100 तक इंटरवल स्केल के वो क्या कहा जाए इंटरवल होती है, दैट इज आफ्टर एक के बाद दो, दो के बाद। अब जब टीचर 99 और 100 में एक इंटरवल है ना, बट इसके अंदर जब 99 से 100 सोच में पड़ता है, 5 से 6 में देना होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। जस्ट जनरल एग्जाम्पल है कि जब 100 में से मार्क्स देने हो तो टीचर दे देता है 36 46, और जब 5 में से नंबर देने हो तो उसको देने पड़ता है 3 या 4। सो इन शॉर्ट में क्या कहना है, परसेंट देखो परसेंटेज बदल गई, 3 या 4 नंबर अगर 5 में से दिए गए तो इट हैज अ डिफरेंट मीनिंग, और 100 में से 30 या 35 दिए इट हैज अ डिफरेंट मीनिंग। सो इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज इंटरवल। एक मार्क्स दूसरे मार्क्स पे, दैट्स व्हाट अचीवमेंट टेस्ट इंटरवल स्केल पे आते हैं। देन देयर आर रेशियो स्केल्स। रेशियोस की टेम्परेचर इज ए रेशियो स्केल, यानी आज टेम्परेचर कितना है भाई, आप बताते होंगे दैट इज आज नियर अबाउट इस वक्त 40 के करीब होगा, दैट इज ए रेशियो। कल टेम्परेचर क्या था और नीचे से, दैट इज वाई अगर 0 डिग्री होता तो आप कुछ और सोच रहे होते, आज आपको गर्मी लग रही है, दैट इज ए रेशियो ऑफ वन थिंग टू अनदर। सो मैं कहना आपसे सिंपल ये चाहता हूँ, प्लीज कीप इन माइंड दैट स्केल इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप कल बता रहे थे आपके सामने, आई वॉज जस्ट बाई दी वे प्रेजेंट ओवर देयर जब बताया जा रहा था कि दैट इज व्हाट इज इट कॉल्ड एटीट्यूड स्केल की बात की जा रही थी, और आप उन्होंने कहा स्ट्रॉन्गली डिसएग्री टू स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। सी दिस वॉज एन इंटरवल विच वॉज गिवन,
इंटरवल, स्ट्रॉन्गली एग्री टू डिसएग्री. सो जो भी स्टैटिस्टिकल टूल्स होंगे या जो भी इसका एनालिसिस एनालिटिकल टूल्स होंगे, वो रेशियो इस इन स्केल्स के ऊपर डिपेंड करेंगे. आप नॉमिनल स्केल रेगुलर नहीं, रेगुलेटरी नहीं होती इसमें, यानी इट इज नॉट फॉलोड बाय दिस, वेयर एज अचीवमेंट इज फॉलोड बाय वन एंड टू. सो कैसा कहना चाहिए कि कभी आपने कहा कि दैट इज देयर आर मार्केट में फल 100 रुपए किलो है, तो इट हैज मीनिंगलेस. जब आप कहते हैं आम 100 रुपए किलो, इट हैज ए डिफरेंट मीनिंग देन व्हाट इज दैट कॉल्ड एज. फिर आम में आप वो नॉमिनल लगाते हैं, ये अच्छे वाले आम, ये जो भी जिस भी ये दशहरी वाले हैं, ये सो दैट्स व्हाट इज ए नॉमिनल स्केल. तो इसके लिए आप स्टैटिस्टिक्स अलग लगाएंगे, और ऑर्डिनल स्केल होगी तो स्टैटिस्टिक्स अलग लगाएंगे. आपको पता है कि रैंक होते हैं ना, रैंक में स्केल अलग होती है. फॉर एग्जाम्पल देर इज समथिंग कॉल्ड एज रैंक ऑर्डर कोरिलेशन होता है, दैट इज किसी आपने रैंक्स दिए, रैंक्स के बाद लेटर से आजकल वो सिटीज का चल रहा है कि कौन सी सिटी ज्यादा साफ है, तो रैंक्स दिए हुए हैं कि सबसे साफ सिटी ये है, उसके बाद ये है. इसी तरह दिल्ली में जब अगर आप रहते हैं तो दिल्ली में अलग रैंक्स हैं हर पार्ट्स के. सो दिस इज कॉल्ड एज दैट इज व्हाट इज दिस इंटरवल स्केल एंड ऑल दिस थिंग्स. सो इन शॉर्ट आई वॉन्टेड टू स्के से the scales to be used has to be taken care of while deciding which type of that is analysis you will use. thoda sa aage chalta hu fir aapko batata hu ki that is jab bhi aap questionnaire se data select kare to sabse pehli baat hoti hai ki that aap normality test karni padti hai data ki. आप डेटा की नॉर्मेलिटी करंट टेस्ट करते हैं क्योंकि आपको यूज करना है पैरामीट्रिक टेस्ट या नॉन. अभी ये बताऊंगा क्या होता है पैरामीट्रिक टेस्ट और क्या नॉन पैरामीट्रिक. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, देन रिलायबिलिटी टेस्ट कौन कौन से यूज करेंगे, दैट इज व्हाट इज देयर. परहैप्स मैं थोड़ा इसमें मुश्किल ना हो मुझे बताने में. मैं सोच रहा हूँ कि आपको हर क्वेश्चनियर सेम टाइप तरीके से नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर किसी चीज का नंबर येस एंड नो हो तो देन यू विल हैव टू हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट दैट इज नॉन पैरामीट्रिक. मैं पहले अभी आपको ये बताऊंगा कि पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स होती क्या क्या आता है इसमें. फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे और देन वी शैल बी एबल टू नो. अगर क्वेश्चनेयर हो तो हम पैरामीट्रिक यूज करेंगे या क्या. मैं फिर बता देता हूँ कि ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता कि क्वेश्चन हो तो सिर्फ पैरामीट्रिक यूज करेंगे. इट इज नॉट लाइक दिस. इट डिपेंड्स अपॉन योर क्वेश्चन, इट डिपेंड्स अपॉन योर स्केल विच इज बीइंग यूज्ड इन द क्वेश्चनेयर. फॉर एग्जांपल अगर आप लिकर्ट टाइप क्वेश्चनर टाइप इसको यूज करें तो देन दिस इज स्केल डिफरेंट स्केल. अगर आप येस नो में यूज करें इट इज ए डिफरेंट स्केल. सो आगे चलते हैं थोड़ा सा, देन लेट अस सी व्हाट इज द ये है दैट इज ये कल भी मैंने ये एग्जांपल दी थी. क्लास में एक टेस्ट दिया गया, टेस्ट में नंबर तो थे 45 to 94 और ये स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी है. और क्वेश्चनेयर क्लास में दिया था टीचर ने इन ऑर्डर टू नो वेदर दे नो दिस मैथमेटिक्स और नॉट. सो दिस इज वन टाइप ऑफ वे ऑफ द टीचर ने दिया. अब हमें जब भी हम ऐसा करेंगे अब हमें फाइंड आउट ये करना है इज इट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम और तरह के टेस्ट लगाएंगे, अगर वैसे तो और तरह के. अब बात पहले ये कर लेते हैं, मैं आपको इसको बाद में दोबारा आता हूँ इसके ऊपर. मैं पहले आपको ये बता दूँ कि ये होते हैं पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक. अभी बात पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक की चल रही थी, इस कारण ये बताना आपको ज़रूरी है. वन थिंग इज यू हैव ए हाइपोथेसिस. दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं आपको पता है. एक होता है नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस में नो डिफरेंस हाइपोथेसिस होता है, दैट इज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द अचीवमेंट ऑफ मेल स्टूडेंट्स एंड द फीमेल स्टूडेंट. जनरल से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, या देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स अबाउट ए पर्टिकुलर थिंग, दैट इज वट इज द नल हाइपोथेसिस. और देन देयर इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस जिसको आप एम्पिरिकल हाइपोथेसिस भी कहते हैं. Males are usually more in height than the females. That is an alternate hypothesis. Now question is, I'm coming to this point.
दैट इज सिमिलरली आप जब क्वेश्चन पूछते हैं, या अभी मैं दिखाऊंगा, अभी मैंने कल भी वो बात की थी, जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको हाइपोथेसिस तो बनाना ही पड़ेगा कि क्या पूछना चाहते हैं. सो देयरफॉर दिस व्हाई आई एम गिविंग दिस डायग्राम इज हाइपोथेसिस दो तरह के होते हैं. वन इज नल हाइपोथेसिस, अनदर इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस. और इसके ऊपर डिपेंड होता है हाइपोथेसिस की टेस्टिंग. अगर स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाना है तो दो तरह के टेस्ट होते हैं. वन इज पैरामीट्रिक टेस्ट, अनदर इज द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. अब ये पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ. ये कहाँ कहाँ लगते हैं ये भी बताया जाएगा, क्योंकि टेस्ट तो आप यूज कर लेंगे बट पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक कहाँ कहाँ यूज करेंगे उसकी बात करते हैं. पैरामीट्रिक में कौन से आते हैं, नॉन पैरामीट्रिक में कौन से आते हैं, इसको बात पहले थोड़ा सा पता कर लें कि पैरामीट्रिक क्या होते हैं. देखिए पैरामीट्रिक टेस्ट वो होते हैं जिसमें पैरामीटर्स की अजम्पशंस होती हैं. ऐसा कहना चाहिए कि मार्क्स हैं, पैरामीटर्स हैं, जिसकी अजम्पशन है कि रेगुलरली चलते हैं. मार्क्स आर रेगुलरली, यानी जीरो से अंडर एक रेगुलरिटी है, दैट इज आपस में लिंक्ड है. यू कांट से 15 इज नॉट लिंक्ड विद द 16. वेयर एज ईयर्स के अंदर इट इज नॉट लिंक्ड विद ईच अदर. यानी लेट अस से मेल एंड फीमेल, ये आपस में कॉन्टिन्यूटी नहीं है. नो डाउट दीज आर द ग्रुप्स, बट वी से दीज ग्रुप्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. वेयर एज मार्क्स आर ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. सो दैट इज वट इज पैरामीट्रिक टेस्ट रिजर्वेशन पे चलते हैं. दैट इज कहाँ से सैंपल ड्रॉ हुआ और कहाँ सैंपल के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व था, दैट इज वट इज. और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, मैं थोड़ा सा और इसको सिंपलर वे में बताता हूँ आपको, सो दैट यू आर क्लियर अबाउट दिस. सी फॉर बाई जो पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं उसमें हम यूज करते हैं इंटरवल और रेशो स्केल. मैंने अभी बताया था आपको एक इंटरवल स्केल होती है, फिर मैं दोबारा से वहां जा सकता हूँ इन ऑर्डर टू टेल यू दैट देयर इज रेशो जो होती है ना, जस्ट टू टेल यू दैट इज एक दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू जो मेजरमेंट्स हैं वो रेशो है और इंटरवल है. दैट इज आफ्टर यू एवरी इंटरवल देयर इज अनदर थिंग दैट इज 1, 2, 3, 4, 5. ये इंटरवल्स हैं व्हिच आर कमिंग इन अ कंटीन्यूअस प्रोसेस. वेयर एज जो नॉन पैरामीट्रिक है वो ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल में यूज होते हैं. फिर दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ. मैंने बताया था नॉमिनल स्केल होती है जब मेल फीमेल अर्बन रूरल ये नॉमिनेट किए हुए हैं आपने, और ऑर्डिनल स्केल होते क्रम. आपने लेट से फर्स्ट रैंकर्स, थर्ड रैंकर्स, दिस इज जो दिया दिस एक क्रम है. सो दिस आर द ऑर्डिनल स्केल. सो इन शॉर्ट हमें ये कहना चाहिए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आता है ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल्स जो होती हैं. और पैरामीट्रिक टेस्ट तब यूज करते हैं जब आप रेशो स्केल या इंटरवल स्केल यूज करते हैं. जनरली नॉन पैरामीट्रिक हम यूज करते हैं जब हमारा सैंपल थोड़ा छोटा हो, और जब हमारा सैंपल बहुत लार्ज हो तो हम जनरली पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करते हैं. एंड आप पूछेंगे कि पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया भी था, दोबारा भी बताऊंगा. जिस तरह लेट मी से we want to find the difference between marks of males and females. में difference क्या है, mathematics में किन के number ज़्यादा आते हैं, या rural लोगों के number ज़्यादा आते हैं कि urban number लोगों के number आते हैं. When we talk of rural urban, then we cannot rural और urban को आपस में करना हो तो हम यहाँ पे पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं यूज कर सकते. पैरामीटर्स नहीं है, रूरल अर्बन आर नॉट पैरामीटर्स. रूरल एंड अर्बन आर जस्ट नॉमिनल स्केल के ऊपर नॉमिनेट किए हैं आपने. किसी को रूरल कह दिया, किसी को अर्बन कहा हुआ, आपने नॉमिनेट किया हुआ है, दैट इज व्हाट इज द रूरल अर्बन. सो देयरफॉर वहां पे हम जब हम रूरल अर्बन में डिफ्रेंशिएट करते हैं, देन कितने रूरल लोग हैं, कितने अर्बन लोग हैं, देन वी गो फॉर द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. पैरामीट्रिक टेस्ट में जब इंटरवल हो तो हम पैरामीट्रिक टेस्ट फॉर एग्जाम्पल अचीवमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा के अंदर हम यूज करते हैं. सो देयरफॉर इन शॉर्ट हमें ये कहना चाहिए पैरामीट्रिक टेस्ट यूज होते हैं जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो डाटा. कल भी बात हुई थी डाटा मस्ट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन केस ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट.
और अगर डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सा डाटा होता है जो नॉन दैट इज जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। सो उस केस में फॉर एग्जाम्पल आई वॉज टेलिंग यू इफ यू कंपेयर दिल्ली पब्लिक स्कूल वाले बच्चे और जो गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे, मुझे पता नहीं आज तक थोड़ा डिफरेंस हो गया बट देर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस। हो गया नहीं 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 यू कांट कंपेयर। इफ यू कंपेयर जस्ट आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड विद द चाइल्ड हु इज स्टडिंग इन ए आई शुड से पब्लिक स्कूल, यू विल ऑलवेज से दैट इज ये नहीं किया जा सकता। इन शॉर्ट हमें ऐसा कहना चाहिए पैरामीट्रिक्स टेस्ट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन के, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जब बेल शेप्ड कर्व के दोनों तरफ कुछ बहुत अच्छे हों, कुछ बहुत ना अच्छे हों, और बीच वाले लोग जिसमें सबसे ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कल भी बात हुई थी, आज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सिर्फ। और जब एक तरफ के फॉर एग्जाम्पल दैट्स वाई आई वाज सेइंग दिल्ली में जो जहाँ पे वो एम्बेसीज वगैरह हैं उस एरिया को, उस एरिया के लोगों को हम जे जे कॉलोनी वालों के साथ में करें तो देन सर्टेनली यू विल से इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड, अनकंपेरेबल है। सो दैट इज व्हाट इज नॉन पैरामीट्रिक डेटा टेस्ट हम यूज करेंगे। एंड अबव ऑल नॉन पैरामीट्रिक जो होते हैं ना वो रेंडम से, अगर आप पर्पजिव सैंपल पर्पजफुली सैंपल चूज करते हैं तो यू कैन नॉट यूज पैरामीट्रिक टेस्ट। अगर आप क्या कहा जाए जस्ट सैंपल रेंडमली नहीं यूज करते, जब रेंडम या सैंपल यूज करते हैं तो पैरामीट्रिक यूज करिए। जब आप जैसे जब पर्पजफुली यूज करें तो आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करें। देन इस मैंने कल भी बात की थी, आज दोबारा कह रहा हूँ, दोनों में एक फर्क है। पैरामीट्रिक टेस्ट की पावर ज्यादा होती है। पावर का मतलब क्या होता है आप कहेंगे, व्हाट इज मेंट बाय पावर? पावर मतलब होता है दैट इज फॉर एग्जांपल लेट मी से नंबर्स इज ए पावर। और जब आप कहते हैं फला चीज इज ए गुड, अब आपका गुड कितना गुड है दैट इज ए क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इट इज, इट इज नॉट दैट पावरफुल। व्हेन यू से दिस इज इसकी लेंथ 4 फुट 3 इंच है तो देन इट इज ए पावरफुल थिंग। भाई आपने मेजर किया है, मैं मेजर करके इस ये जो स्केल है इसके ऊपर मेजर करके बोल रहे हैं तो दैट इज व्हाट इज, इट इज ए पावरफुल, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पावर ऑफ मेजरमेंट। तो ऐसा कहना चाहिए दैट जस्ट आई वाज मैं एक्सप्लेनिंग कि पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कब यूज होते हैं। मैं सिंपल आपसे ये कहना चाहता हूँ आप अपने क्वेश्चनियर को देखें, अगर क्वेश्चनियर में ऑर्डिनल या नॉमिनल स्केल है तो देन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करने पड़ते हैं। अगर हम इंटरवल या रेशियो स्केल यूज करते हैं तो हम पैरामीट्रिक टेस्ट, मैंने अभी बता दिया कि व्हाट इज मेंट बाय इंटरवल एंड रेशियो स्केल। थोड़ा सा और आगे चलते हैं जस्ट टू टेल यू देन आई विल कम बैक विद द दिस थिंग। अभी भी हम पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में अभी भी मैं हूँ वहीं पे खड़ा। दैट इज पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं जब, फिर दोबारा से बोल रहा हूँ नथिंग एल्स आई एम जस्ट रिपीटिंग इट, यानी पैरामीट्रिक टेस्ट तब यूज है जब डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो और जब डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड हो। कल भी अगर आपको याद हो हम बात करते नेगेटिवली स्क्यूड पॉजिटिवली स्क्यूड हो तो वहाँ पे हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट स्क्यूड, यानी मैं आपको बता भी रहा था कि दैट इज जे जे कॉलोनी वाले और उसको क्या कहा जाए वो जो एम्बेसीज वाले पार्ट को हम करें तो then it is certainly skewed on one side only, so that is why either negatively or positively वहाँ पे parametric test नहीं use होते हैं। और जब आपका data quantitative हो तो तब हम parametric test use करते हैं, जब आपका data quantitative ना हो तो then मैं भी बताऊँगा क्या होता है qualitative data, यानी जैसे आपने कहा कितने लोग good में आते हैं, कितने लोग bad में आते हैं, कितने लोग worst में आते हैं, worst, good, etc. are your nominations and you have defined it. So that is what is यहाँ पे non-parametric test use होते हैं। अभी मैं बताऊँगा कौन से test parametric होते हैं, कौन से non-parametric, वो भी बताऊँगा। But parametric is where are the things are quantitative. Marks are a quantitative measurement of anybody's achievement. और ऐसा कहना चाहिए कि that is temperature is quantitative of the what is called as height or quantitative heat. So that is what it is used in
क्वांटिटेटिव डेटा एंड स्केल मैंने अभी भी बता दिया, फिर दोबारा से रिपीट, जब इंटरवल और रेशियो स्केल हो तो वी गो फॉर द पैरामीट्रिक टेस्ट, और जब हमारी स्केल ऑर्डिनल नॉमिनल हो तो हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करते हैं. क्वेश्चन हैज जब लेट अस से देयर आर 20 मेल्स एंड 30 फीमेल्स, इसका मीन निकल सकता है? और ऐसा मैं मेल फीमेल की बात नहीं करूं, कुछ और कर लेते हैं. लेट अस से देयर आर 30 मैंगोस व्हिच आर स्वीट एंड शुगर, 20 किलो शुगर, इट व्हाट इज द एवरेज ऑफ बोथ? तो आप कहेंगे इसका नहीं किया जा सकता, नहीं. सो बिकॉज यू हैव गिवन द नेम्स, सो देयरफॉर दैट इज व्हाट इज That is what is this the meaning which is lies in this. That is, questions must have standard deviation and mean, whereas on दूसरे side पे नहीं होगा. That is non-parametric test में questions percentage में आते हैं. इतने percent लोगों ने ये कहा, इतने percent लोगों ने ये कहा. मैं भी आता हूँ उसको इसके ऊपर थोड़ा सा. मैं इसको मुझे ये लगता है parametric और non-parametric का थोड़ा सा पता होगा तो easy हो जाता है. So, मैं इसको बता देता हूँ पैरामीट्रिक में कौन से आते हैं. टी टेस्ट का आपने नाम सुना होगा, अनोवा, पीए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये सब पैरामीट्रिक टेस्ट हैं. यानी ये कहा जाए दैट इज इफ यू से दैट व्हाट इज दैट कॉल्ड एज पाई स्क्वायर एक्सेट्रा, दीज आर द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. सो जस्ट टू कम बैक टू द थिंग्स, मैं एग्जाम्पल लेते हैं, देन वी शैल बी कमिंग बैक टू द थिंग्स. A few examples, please. This was a data which was there with us. This was the example which is there with us. And this data was the example with us. That is, grouping the, humne group kiye score, pehli baat to ye, we will have to test its normality. And ऐसा या तो आप डिफाइन कर लीजिए, दैट इज ग्राफ में आप डिफाइन भी कर सकते हैं कि दैट इज क्या है, कि डाटा किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, और या आप देखिए ये ग्राफिकल भी रिप्रेजेंट. अब पॉइंट जो मैं बताना ये चाहता हूँ, हेयर इज ए डाटा विच इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हेयर इज ए डाटा विच इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हेयर इज ए डाटा विच इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. मैंने कल ये दिया था आपको. सी ये क्वेश्चनर क्या है, उनसे बच्चों से क्वेश्चनर पूछा गया, दैट इज हिस्टोग्राम तो बनाई है, सेम स्लाइड मैंने उठा के रखी है, दैट इज स्टूडेंट्स कितने बजे उठते हैं, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज द टाइम जब वो गेटअप उठते हैं सुबह 4 से लेके 7:30 तक, देर इज बीच वाले हैं, सो दे यू विल सी दैट दिस डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज हम है, हम के साथ में डाटा है, वेयर इज दिस इज द डाटा, दिस इज वेयर वी आर, दैट इज ये है. आप देखना, हेयर इज एन एग्जाम्पल, टीचर्स एडमिनिस्ट्रेटर और स्टूडेंट से पूछा गया कि जो इंस्टीट्यूशन है यूनिवर्सिटी है कितनी अच्छी है, दैट इज हाउ दिस इज हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स. तो 80% टीचर ने ये कहा, 7% ने ये कहा, ये परसेंटेज है. बिकॉज अब इसमें आप कौन सा टेस्ट लगाएंगे, दैट इज पैरामीट्रिक के नॉन पैरामीट्रिक, सोच लो. मैंने ये नहीं कहा क्योंकि अभी तो हम डिस्कस करेंगे आपस में बैठ के, जरा सोचो कौन सा आप टेस्ट यूज करेंगे. सो दिस इज व्हाट यू कैन थिंक फॉर ए व्हाइल, एंड देन दिस इज देयर, दैट इज दिस इज द डाटा. ये डाटा भी है हमारे पास जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स की अचीवमेंट है. इन इस केस में आप भी कहोगे कि हम पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करेंगे. सो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चनेयर जब यूज होता है तो पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट डिपेंड करता है कि क्वेश्चनेयर की स्केल क्या है, क्या नॉमिनल स्केल है या ऑर्डिनल स्केल है या व्हाट इज दैट कॉल्ड एज रेशियो स्केल है, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चनेयर का डेटा यूज कर सके. सिमिलर इज द केस विद दैट इज इंटरव्यू, सिमिलर इज द केस विद व्हाट इज दैट कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशंस. जब आप इंटरव्यू करते हैं, सेम द केस देयर, तो वहाँ पे भी मेनली इंटरव्यूज के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर हम
नॉन पैरामीट्रिक डेटा एनालिसिस यूज कर रहे टूल्स यूज करते हैं सो दैट क्योंकि उसके अंदर देयर आर मोर चांसेस कि डेटा रेगुलर नहीं होता दैट इज रेगुलर का मतलब कंटीन्यूअस डेटा आई शुड से कंटीन्यूअस डेटा कंटीन्यूअस है या नहीं है दिस थिंग यू विल हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन सो मैं थोड़ा आगे चलता हूं एंड देन वी शुड बी कमिंग ओवर हियर मैंने आपको पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक तो बता दिए जस्ट आई एम हियर फ्रेंड्स सो पॉपुलर टेस्ट कौन से हैं जो पैरामीट्रिक पॉपुलर टेस्ट कौन से हैं जस्ट वन थिंग इज मीन मीडियन एंड व्हाट इज इट कॉल्ड एज मोड ये सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं यानी बट आप ये नहीं कह सकते ये मीन मीडियन एंड मोड कई जगह नहीं भी बनते फॉर एग्जाम्पल अगर नॉमिनल स्केल हो तो मीन निकल सकता है सोचो तो जरा अगर स्केल इज नॉमिनल मेल फीमेल रूरल अर्बन दैट इज हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर ऐसे से केसेस में क्या हम मीन निकाल सकते हैं क्या मीडियन निकाल सकते हैं क्या हम मोड निकाल सकते हैं यू विल एग्री नहीं 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 इसमें नहीं निकल सकता भैया दैट इज क्या मीन रूरल अर्बन का क्या मीन होगा सो दैट इज व्हाट इज वी विल हैव टू थिंक हाँ वो वहां पे यूज होता है इतने रूरलाइट्स हैं इतने अर्बनाइट्स हैं दैट इज अ सेपरेट थिंग बट हिंदुस्तान में कितने रूरलाइट और उनका मीन क्या है यू विल नेवर बी एबल टू टेल सो देयरफॉर वी विल हैव टू से दैट इज कहाँ पे हम पैरामीट्रिक यूज करेंगे कहाँ पे सो पॉपुलर टेस्ट आर वन इज द मीन मीडियम तो है ही है देन टी टेस्ट आपने देखा होगा टी टेस्ट इज यूज भी किया होगा दैट इज मीन मीडियम एसडी तभी निकलता है ना आप ऐसा कहने स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं फॉर रूरल एंड अर्बन पीपल क्या हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं कि हाई और लो टेम्परेचर की जहां पे आप नेम कर देते हैं तो वी कैन नॉट फाइंड आउट मीन मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जहां पे आप मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल सकते प्लीज सीधी सी बात है आप वहां पे ये वाला दैट इज पैरामीट्रिक टेस्ट ही यूज कर सकते हैं नॉन पैरामीट्रिक जहां पे मीन मीडियन मोड नहीं निकलता वहां पे नॉन पैरामीट्रिक ही निकल सकता दूसरा नहीं निकल सकता That is a simple way, whether it is a questionnaire, whether it is a, what is that called as this interview, or it is observation. We will have to look into this thing. Say, or ab jo popular hai, one is ANOVA is there, and ANCOVA is there, T-test hai. Ye bahut popular test hai, or for, what is that called as, parametric. Non-parametric hai, chi-square hai. Kal bhi maine aapko chi-square ki example di thi. Chi-square is a test which says, if आप सब चीजें कहते हैं कि दिस ये इक्वलिटी पे बिलीव कर दैट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है दैट इज अ सेपरेट थिंग तो ये नल हाइपोथेसिस तो ये इट इज ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट एंड देन लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज आल्सो देयर कोरिलेशन इज आल्सो देयर जहां पे ऐसा कहना चाहिए जहां पे आपको कॉन्टिन्यूस डेटा दिखे जहां पे आपको डेटा that is ratio scale के ऊपर मिले तो please go for parametric test and जहाँ पे आपको data what is it for ranks में मिले या data आपको nominal मिले तो you have to go for the non-parametric test so I will just coming to the this thing then there is something called as inferential statistics ये मैंने अभी तक दो तरह की बात कही one is पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक अब मैं बात करता हूँ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है इन दोनों के पार्ट के इन दोनों को मिला के इधर समथिंग कॉल्ड एज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं जब आप किसी सैंपल पे रिसर्च करके आप पॉपुलर पे जनरलाइजेशन पॉपुलेशन पे जनरलाइजेशन करते हैं दैट इज इन्फ्रेंशियल फॉर एग्जांपल जब डिफरेंस बिटवीन मीन्स निकालते हैं इट इज इन्फ्रेंशियल एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस निकालते हैं इट इज इन्फ्रेंशियल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस निकालते हैं इट इज इन्फ्रेंशियल एंड काई स्क्वायर एक्सेस ये सब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हैं जहाँ पे आप एक ग्रुप के ऊपर या सैंपल के ऊपर आप करके देन यू अप्लाई और जनरलाइज करते हैं पॉपुलेशन के लिए देन इट इज कॉल्ड एज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स सो
friend, just I was just here in order to telling you that is this is what is the ANCOVA ANOVA and just ऐसा बताना चाहिए ये इन्फेसो हमने कहाँ पे है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। हमने बात की कि डिफरेंट टूल्स ऑफ रिसर्च क्या है। हमने कहा मेनली चार तर पांच टूल्स हैं हमारे रिसर्च के। वन वाज नो डाउट दिस क्वेश्चनेयर, अनदर ऑब्जर्वेशन, स्टिल अनदर वाज इंटरव्यू, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव फोकस ग्रुप डिस्कशंस, वी हैव ऑलरेडी अवेलेबल डेटा विच इज देयर इन द सिस्टम, वेयर वेदर इट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वेदर इट इज अ वर्ल्ड बैंक, एक डेटा ऑलरेडी अवेलेबल हो तो उसको भी आप एनालिस करते हैं। बहुत से रिसर्चर्स इसको करते हैं बिकॉज there can be two type of researches. One are the fields researches, other are the desk researches. Desk ke upar baith ke research karte hai na, that is data is already available and you can do it. So this is what is this is the main humne ye bataya ki the research hoti hai aur iske research ke tools hain. Ab kaun se tools ke liye kaun sa statistics use hoga, that is why we said there are two types of statistics. One is parametric test, another are non parametric test. पैरामीट्रिक टेस्ट हम तब यूज करते हैं जब हमारा डेटा इंटरवल और रेशियो स्केल, स्केल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट द दिस व्हाट इज इट कॉल्ड एज कि कौन सा हम टेस्ट यूज, दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ स्केल्स, दैट इज रेशियो स्केल, इंटरवल स्केल एंड दिस इज, सो दिस इज व्हाई दैट्स व्हाट वी आर टेलिंग, वी आर डिस्कसिंग इट एंड देन वी जस्ट सेड इट दैट इज सी बी केयरफुल दैट व्हेन एवर parametric, when to use parametric and non-parametric test, please take into consideration a scale aapne kaun sa use kiya, jisko kehte hain meter, kaisa use kiya uske upar depend karega, and above all friends it is a way of analyzing the data. Aap data ko kisi bhi tarike se analyze kare, but be careful whether what tools you have used, what hypothesis you have used and what type of scale you are using. Mujhe thode se shabdon mein ye kehna hai कि ये हैं टेस्ट विच आर वेरी पॉपुलर इन साइकोलॉजी, इन एजुकेशन, इन सोशियोलॉजी एज वेल एज जनरल, एंड देन दीज आर द इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स जिसमें हम सिग्निफिकेंस देख के हम उसके ऊपर पॉपुलेशन पे डिसाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स, यानी किसी चीज को देखते हैं सिग्निफिकेंट है, डोंट यू से दैट इट इज सिग्निफिकेंट एट दिस लेवल, इट मीन्स then you say generalize karte hain population ke liye usko inference aapne kahin se liya and then you apply to the population, that is called as inferential statistics. Mean ko aap nahi, inferential statistics nahi hai mean, let me say mean is not inferential statistics, but when you find out the difference between two means, then for example let us say teacher ne number diye, when you define it that is students ke number itne and that is urban students ke number itne or that is रूरल स्टूडेंट्स के नंबर, देन यू डिफाइन फाइंड आउट द डिफरेंस, ये डिफरेंस बिटवीन, तब आप कहते हैं अर्बन स्टूडेंट मैथमेटिक्स में थोड़े ज्यादा अच्छे होते हैं, रूरल स्टूडेंट्स कम अच्छे। मैं कह नहीं रहा, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज डोंट से लाइक दी अर्बन अच्छे, मैंने ये नहीं कहा, सो बी केयरफुल अबाउट इट, सो दैट इज व्हाट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एक्सेट्रा, ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हैं। इन स्टैटिस्टिक्स के लिए सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एक ये आप जानते हैं सॉफ्टवेयर SPSS का नाम तो आपने बहुत देर से सुना है, स्टेटा भी है, ईव्यूज भी है और SCS भी है, सो स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन टूल्स हैं, दीज टूल्स आर अवेलेबल एंड वी कैन यूज दीज टूल्स एज पर द नेचर ऑफ द डेटा। और अब मैं कंक्लूड करता हूँ जस्ट टू से फ्यू थिंग्स एंड देन आई विल से सी, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप कौन से चीज के लिए कौन सा स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे, बट जब इंटरव्यू हो तो मोस्टली हमारा जो डाटा है वो नॉमिनल होता है और ऑर्डिनल होता है, सो देयरफॉर हम यूज करेंगे दैट इज नॉन दैट इज पैरामीट्रिक डाटा, नॉन पैरामीट्रिक एनालिसिस। जब हमारे पास क्वेश्चनर हो और क्वेश्चनर के डाटा रेगुलर दैट इज कॉन्टिन्यूस हो तो हम दैट पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैंने आपको चार स्केल्स बताई थी, दैट इज प्लीज बी केयरफुल अबाउट दीज फोर स्केल्स, क्योंकि ये स्केल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करने के लिए कि दैट इज आप क्या करने जा रहे हैं, दैट बिकॉज डेटा एनालिसिस डिपेंड्स अपॉन दीज स्केल्स, नॉमिनल है या ऑर्डिनल है।
इंटरवल है कि रेशियो है. अगर आपका इंटरवल और रेशियो स्केल है, प्लीज गो फॉर व्हाट इज दैट कॉल्ड एज पैरामीट्रिक टेस्ट. अगर इट इज सिंपली नॉमिनल एंड ऑर्डिनल है तो प्लीज डोंट गो फॉर द पैरामीट्रिक टेस्ट. सो द मेजर है बट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एज आई सेड हाइपोथेसिस आपका क्या है, आपका सैंपल क्या है, ऑल दीज थिंग्स आर डिपेंडेंट. These things, I think I should stop here to tell you what I was simply saying, that is how to use different statistics, how to analyze data for various research tools. So mainly questionnaire ke jab use karte hain uske liye hum generally parametric test use karte hain. Mainly I'm saying jab hum interviews or observations use karte hain तो हम नॉमिनल ऑर्डिनल स्केल यूज करते हैं. दिस इज ए शॉर्ट थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू फ्रेंड्स. सो सर्टेनली दिस इज व्हाट इज देयर. सो मुझे अब यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी. एनालाइजिंग डाटा वेरियस रिसर्च टूल्स, इस विषय पर हमारे सभी प्रतिभागियों का बहुत ही अच्छे तरीके से ज्ञान संवर्धन किया. मैं आशा करती हूँ कि हमारे सभी प्रतिभागी आज के आपके व्याख्यान से लाभान्वित हुए होंगे. सत्र के लिए मैं आपका श्री लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय पक्ष से, शिक्षण अधिगम केंद्र पक्ष से, हमारी प्रिय आदरणीय अमिता मैम के पक्ष से और स्वयं के पक्ष से हार्दिक धन्यवाद और कृतज्ञता भी व्यक्त करती हूँ सर.